प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर करीब 30 मिनट बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बातचीत है। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों को लेकर बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर निशाना साधा और कहा कि सीमा पार आतंकवाद पर रोक लगाना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक और हिंसा मुक्त क्षेत्रीय माहौल शांति के लिए जरूरी है। पीएम ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान पर भी इशारों ही इशारों में निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कुछ नेताओं के बयान शांति के लिए खतरा है। पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ ओसाका में हुई मुलाकात को भी याद किया। पीएम ने कहा कि गरीबी, अशिक्षा और बीमारी से लड़ने के लिए भारत हर किसी के सहयोग के लिए हमेशा तैयार है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हालात खराब करने की कोशिश करने वालों पर केंद्र सरकार की पैनी नजर है। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव राजीव गाबा और इंटेलिजेंस एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जम्मू कश्मीर में पाबंदियों के दौरान लोगों की सहूलियतों पर ध्यान देने पर जोर दिया गया, तो दूसरी तरफ हिंसा भड़काने के मकसद से फैलाई जा रही गलत खबरों और प्रोपेगेंडा का काउंटर करने की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बीच कश्मीर घाटी में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। धीरे धीरे सभी पाबंदियां हटाई जा रही हैं। आज श्रीनगर के 190 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों में रौनक दिखी। 10-15 दिन हो गए हम अभी तक स्कूल नहीं गए हैं, अपने दोस्तों से नहीं मिले। आज हम अपने दोस्तों से भी मिले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश हैं हमारे स्कूल खुले हैं। हालांकि कश्मीर में हाई स्कूल को फिलहाल बंद रखा गया है, वहीं जम्मू के 5 जिलों में भी आज स्कूल और कॉलेजेस खोले गए। मोबाइल इंटरनेट समेत दूसरी पाबंदियों में धीरे धीरे छूट दी जा रही है। 50,000 से ज्यादा लैंडलाइन फोन चालू हैं। सरकारी कर्मचारियों को भी ऑफिस जाने के लिए ढील दी गई है। भारतीय सेना ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर शहला रशीद के दावों को खारिज कर दिया है। सेना ने कहा है कि शहला रशीद के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। कुछ असामाजिक तत्व और संगठन नफरत भरी झूठी खबरें फैलाकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। शहला रशीद ने कश्मीर में हालात बेहद खराब और सुरक्षा बलों पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए कई ट्वीट्स किए थे। बीजेपी ने शहला के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि सेना के शौर्य को सलाम करने की जगह सेना पर सवाल उठाना सरासर गलत है। भारत की आर्मी को पूरे विश्व में एक प्रोफेशनल आर्मी के रूप में पूरे विश्व देखता है। इस प्रकार के बयान देने वाले लोग अपने आप को केवल और केवल न्यूज में बनाए रखने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए और इसके अलावा क्या उनके मन में है, क्या उनका इंटरेस्ट है, वो एक स्पेकुलेशन के कारण हो सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई। उनकी मांग है कि सेना के खिलाफ झूठी और बेबुनियाद बातें फैलाने को लेकर शहला को गिरफ्तार किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त से 26 अगस्त के बीच फ्रांस, बहरीन और यूएई के दौरे पर रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बुलावे पर पीएम मोदी 22 अगस्त की शाम को फ्रांस पहुंचेंगे। पीएम मोदी यहां G7 देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे। 23 अगस्त को पीएम मोदी यूनेस्को भवन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। फ्रांस के बाद पीएम मोदी यूएई के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी को यूएई में वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 से 25 अगस्त को बहरीन का दौरा भी करेंगे। भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली बहरीन यात्रा होगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर के अमन चैन ने कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अनुच्छेद 370 को बहाल करने की मांग की है। मेरी सरकार से मांग होगी कि जो उन्होंने गलत फैसला लिया था, अब तो ये सिद्ध हो गया कि वो गलत थे, क्योंकि राज्य में कोई भी खुश नहीं है, तो उस ऐसे कानून को वापस लेना चाहिए और ये तमाम लीडरों को छोड़ देना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए और नॉर्मल सी स्टेट में बहाल कर देनी चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी कहा है कि 370 हटने के 15 दिन बाद भी घाटी के हालात खराब हैं। चिदम्बरम ने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर में सब सामान्य है, स्कूल खुले हैं लेकिन बच्चे नहीं पहुंचे। सब सामान्य है तो इंटरनेट क्यों बंद है? महबूबा मुफ्ती की बेटी को नजरबंद क्यों किया गया है? उसने पूछा क्यों? कोई जवाब नहीं है। यदि आपको हैरानी हो रही है कि ये क्या चल रहा है, तो कृपया समझें ये नए तरह का सामान्य है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि घाटी में अमन चैन से सियासी परिवार परेशान है।
आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता तीन परिवारों की गुलामी से मुक्त है और जम्मू संभाग के जो 10 के 10 जिले हैं वो तो 2-3 दिन के बाद ही नॉर्मल रूटीन की लाइफ यहाँ लोगों ने देखी।